डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ ईगो पर्सनालिटी, अहम, अहंकार, जिसमें व्यक्ति उसकी क्या स्थिति रहती है, कैसे ब्लॉकेज होता है। ये आधुनिक मनोविज्ञान में भी आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, और वैदिक मनोविज्ञान में भी इसका वर्णन है, जिसमें हमारा व्यक्तित्व है वो पांच तत्वों के साथ में मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में आगे विकसित होता है, बढ़ता है। और इसमें जो अहंकार होता है वो व्यक्ति की एक जीवन शैली में बाधा उत्पन्न करता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ अहंकार के संबंधित। हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलने के बाद मन, बुद्धि और अहंकार पे संचालित होता है, और उससे व्यक्ति की पहचान का पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अहंकार होने पर आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है और दूसरों से सहायता लेने में हिचकिचाता है, और निरंतर अभ्यास से वो इस प्रकार की जो जीवन शैली होती है उसमें नया सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है, और मैं शब्द की रट ज़्यादा होती है, और ये लोग इस प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए किसी दूसरे की सहायता लिए बिना और दूसरों से अपनी बात को मनवाने में, उनकी मोहर लगवाने में इनकी मानसिकता ज़्यादा प्रबल रहती है। और ये अहंकारी व्यक्ति दूसरों से सहायता लेने से डरते हैं, दूसरों की मदद इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि कोई कार्य या उसकी सफलता का श्रेय खुद लेना चाहता है। हमेशा दूसरे लोगों से अपनी तुलना करने में लगा रहता है और वह किसी कीमत पर भी किसी से कमतर नहीं दिखना चाहता है। हमेशा हर समय सामान्य बात पर दूसरों से प्रशंसा पाना चाहता है। उनकी स्वीकृति की मोहर उनके लिए जरूरी होती है, इसलिए वे हमेशा चिंतित रहते हैं, और जो अंदर क्या चल रहा है वो दिखता नहीं होता है। उनके अंदर तनाव कितना होता है, उनके अंदर चिंताएं कितनी होती है, वो आप बाहर से नहीं देखेंगे। वो हर समय अपने आप को श्रेष्ठता का कोशिश करेंगे, लोगों से चुपके से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे कि जो उनके अंदर कमी है वो लोगों के सामने प्रकट न हो। जैसे आप देखेंगे कई बार कहीं पे भी इलाज के लिए काफ़ी दौड़ते हैं, यूट्यूबों पे देखते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी जो जानकारियाँ दी हुई होती है वो उपचार नहीं होता है, वो सिर्फ जानकारी होती है, और वो खुद ये चाहते हैं कि हम इसका निदान कर लेंगे, हम ये काम करेंगे। जो उनके लिए जो सफलता होती है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से उन्हें बाधा पहुंचती है, बाधा देती है, और तब तक समय काफ़ी निकल चुका होता है, और जब समय निकल चुका होता है तो उन्हें उस अहंकार को तोड़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। इस प्रकार से अगर आप किसी अहंकार से पीड़ित है तो कोशिश कीजिए अपने गुरु से, अपने माता पिता से वहाँ पे समर्पित होके अपने अहंकार को छोड़ के, झुक के, नया विनम्र बन के ज्ञान लेंगे तो आपका जो कठिनाई है, आपके दिमाग में जो मानसिक परेशानियाँ हैं, चिंता है, तनाव है, वो ज़रूर दूर होगी और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।